तो जैसा कि आप सारे छात्र देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के क्लास टेंथ का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, उसका यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका मैं फुल एनालिटिक सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव पोर्शन का कर रहा हूँ। एक चीज़ और, यहाँ पे सेट बी है, अगर आपका कोई दूसरा भी सेट है तो आपके क्वेश्चन केवल आगे पीछे होंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। तो आप इस वीडियो को देख लें, आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा टोटल के टोटल क्वेश्चन का, केवल क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। मैं इसका डिटेल्ड वीडियो भी लेके आऊँगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में आएँ कि सर ये कैसे हुआ तो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में कर दें, मैं उसका डिटेल्ड वीडियो इवनिंग तक लेके आऊँगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव के आंसर्स मिला लेते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो यह है चांदी। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑस्टेड ने किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड के प्रयोग द्वारा किया गया था साबित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, विद्युत मोटर किस चीज़ को किस चीज़ में परिवर्तित करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो इन सभी में सबसे कम क्रियाशील है आयरन, लोहा, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 आवंद होते हैं उसको एल्काइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्कोहल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है सिंगल बाउंड OH। ठीक है, अल्कोहल में सिंगल बाउंड OH यानी सॉरी इथेनॉल, यहाँ पे क्वेश्चन था इथेनॉल में सिंगल बाउंड OH यानी एक बंद OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसको कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3×10H2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूटपाद द्वारा। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम बसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज एंजाइम बसा पर क्रिया करता है। फिर किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 16, मछली का श्वसनांग है, तो मछली श्वसन करती है गिल्स से। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है वृद्धि हॉर्मोन। फिर अमीबा में अलैंगिक जनन होती है विखंडन की विधि से, बाइनरी फ्यूजन, दो टुकड़ों में टूट जाता है, 3 टुकड़ों में टूट जाता है विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीज कौन फूल के कौन सा भाग फल में बदलता है, तो बीज में बदलता है बीजांड और फल में बदलता है अंडाशय, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उभयलिंगी जानवर है, केचुआ। फिर आइए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था। कौन सा अवशेषी अंग है, तो हमारे में अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है जिसका अब कोई काम नहीं है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित की गई एक धनावेशित अल्फा कंज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो जब जिस दिशा में धनावेशित कण विक्षेपित होगी उसके विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो धनावेशित कण विक्षेपित हुआ उत्तर की दिशा में, तो दक्षिण की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट का एक प्रत्यावर्ती धारा होता है। देखिए, सबसे पहले आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो 100% इसको सही करने की कोशिश की गई। अगर एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स आके चेक कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, जिस दिन बादलों का दिन होगा, सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंचेगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। बाकी सारी ऊर्जाओं का कारण है सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का कारण है किसी वस्तु की किसी परमाणु की अपनी बनावट, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स नियंत्रित करता है, 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है ब्रिक।
फिर एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन यानी कि एक मादा लिंग हार्मोन है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण या तो समतल होगा या उत्तल होगा, जो हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों को आवर्त यानी पीरियड्स कहा जाता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम जिंक की परत चढ़ाकर उसे संक्षारण से बचाते हैं। चाकू से काटी जाने वाली धातु है सोडियम। नेक्स्ट आइए, चूने के पानी को दूधिया कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। 42 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है। और आवर्धन का सूत्र है, लेंस के आवर्धन का सूत्र है, दर्पण का होता है -b/u, ये इसको मैंने कर दिया है, और लेंस का होता है +b/u। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा b/u। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 46। नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका, जिसको आयरिस कहा जाता है। वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिससे आकाश हमको नीला दिखाई देता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। अगर सूर्य के रंग की बात की होती तो यहाँ पे प्रकीर्णन भी होता, लेकिन यहाँ पे केवल समय की बात कर रही है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। तो 48 के 48 ऑब्जेक्टिव का मैंने आंसर कर दिया है, अभी इधर सब्जेक्टिव है। अगर आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ। और कल के मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव के सोल्यूशन सबसे पहले चाहिए और सेकेंड सिटिंग के ऑब्जेक्टिव के भी आंसर चाहिए तो आप CWH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।